बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजनों में तेरो अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी जनाब, आज तुहानू वाइट कढ़ाई जिहड़ी बना रहे हैं जी, ते माशाल्लाह आज मेरी भांजी दी सालगिरह जनाब, ते उहदे च साडा दिल कीता कि वाइट गोश्त जिहड़ा जी वह बनाउणा वा वाइट कढ़ाई, ते इह तुहानू वाइट कढ़ाई दा सारा दिखा रहे हैं निजाम जी। मिर्च मसाला जिहड़ा वह बना के तां पाता वा, ते गोश्त भी हुण पाता वा, ये वाइट गोश्त तैयार कर रहे हैं जी। वाइट गोश्त नमकीन हों जी, नमकीन हों तो ये देख सकते हो तुम, माशाला बहुत ही प्यारा जायकेदार, तो बड़ा ए धनिया भी कटिया जनाब जी। ये इंशाला जरा जी बनता दिखावे थानू सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजनों तुम्हें तेरो अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी जनाब, आज तुहानू वाइट कढ़ाई जिहड़ी बना रहे हैं जी, ते माशाल्लाह आज मेरी भांजी दी सालगिरह जनाब, ते उहदे च साडा दिल कीता कि वाइट गोश्त जिहड़ा जी वह बनाउणा वा वाइट कढ़ाई, ते इह तुहानू वाइट कढ़ाई दा सारा दिखा रहे हैं निजाम जी। मिर्च मसाला जिहड़ा वह बना के तां पाता वा, ते गोश्त भी हुण पाता वा, ये वाइट गोश्त तैयार कर रहे हैं जी। वाइट गोश्त नमकीन हों जी, नमकीन हों तो ये देख सकते हो तुम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जायकेदार, तो बड़ा ए धनिया भी कटिया जनाब जी। ये इंशाल्लाह जरा जी बनता दिखावे थानू सारा। ए दही पै गया जनाब, तो रंगत भी चेंज हो रही है जी, माशाल्लाह बड़ा खाण का मज़ा आएगा जी, मूंह च पानी तो आ रहा होना जी। तो सच पुछो तो जनाब मेरे मूँह तो रौला किन फिर जनाब, तो बड़ा खुशबूदार, तो क्या बात है, टेस्टी जी। ऐ देख लो जी, ये दही पै गया जी। लो जी, हसबे जरूरत काली मिर्च का भी इस्तेमाल करन लगे हैं, काली मिर्च पानी चाहिए है जी, माशाल्लाह इहदा कोई नुकसान नहीं हुंदा, ते ये ठीक हुंदी है जी। गरम मसाला, हाँ जी, है गरम मसाला भी पाता जनाब, हाँ जी, गरम मसाले मसूले सारे पा के बाई बाती भी खत्म करनी है जी, बाई बातियाँ बहुत हो जाए वा अजकल, मेदे जड़े है जी वो बहुत छेती अपसैट हो जाते हैं, देख सकते हैं तुम जनाब। हाँ जी, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जनाब, इस्तेमाल जी है जी। मिर्च मसाले जड़े है जी साढ़े इतने महल के एक चक्की लगी है, पीते है जी अखा के सामने, तो खालस चीज़ा जी। बाकी वे शहरों के कोई योजना चीज़ा लवो तो जनाब बहुत सारे दो नंबर की पाँच नंबर चीज़ा लभदियाँ जनाब, अतबार तो कोई अतबार नहीं हों है, तो ये तो बिल्कुल अतबार आ जी, वाकफियत वाले है ना, अखा के सामने जी सारा कुछ पीते हैं जनाब, देख सकते हो जनाब जी। लोकेशन जी है जी थोड़ी जी वर्सी खाने की भी दिखा दें जनाब, देख सकते हो सारिया प्लेटा कढ़ाई जी है जी, बड़ी गर्मा गर्म जनाब खाने के नज़ारे आ जाएंगे जी, क्या बात है, जबरदस्त जी, बेहतरीन करके जी। अज का रूटीन वाइज ब्लॉग जरा जी वो इस्तेमाल किया जनाब, मेरी जनाब बर्तन धो के जो जी वो टकाए हुए हैं, लो जी जनाब ये वाइट गोश्त बना रहे हैं ना जी, ये दही का पाना भी जरूरी है, तो हूँ जी जी क्रीम मंगाई है, ये क्रीम चेक करते पे जी अजे, तो इनू भी पावे बिच जनाब। अज जनाब औरतां नहीं, अज मर्द कढ़ाई बना रहे हैं जनाब वाइट गोश्त वाली, तो देखांगे
ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਆ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਧੜਾਧਾਰ ਅੱਗ ਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਮਯਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਈ ਆ ਜਨਾਬ ਚੈਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਗਲਨੇ 'ਚ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਰੀਮ ਵੀ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਟਾ ਖੁਟਾ ਠੀਕ ਆ ਖਟਾਸ ਖਟਾਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਖਟਾਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਮਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਟਾਸ ਘੱਟ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਗਰਮ ਲਓ ਜੀ ਖਟਾਸ ਘੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਖਟਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਰੀਮ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜੀ ਸਫੈਦ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਫੈਦ ਗੋਸ਼ਤ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਮ ਦਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੁਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲ ਵਾਈਟ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੁਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼